सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो ये क्या डिस्क्राइब करता है? सेंटर ऑफ द डेटा सेट. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल गिव यू अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अराउंड विच द एंटायर डेटा सेट टेंड्स टू क्लस्टर. ठीक है, तो ये होता है डेटा का सेंटर. तो यहाँ पे आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको तीन मेजर्स मिल जाते हैं. पहला मीन, सेकेंड मीडियन और थर्ड मोड. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मीन, मीडियन, मोड में पहले तो क्या डिफरेंस है, कैसे मेजर करते हैं और हम कहाँ पे मीन को यूज कर सकते हैं, मीडियन को यूज करते हैं, मोड को यूज करते हैं और इनके क्या लिमिटेशंस हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन को. सो मीन, जैसे कि आप जानते हो, मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं. मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज. सो मीन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जितने भी आपके ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं उनको आप सम कर लो और जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जो काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, उससे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाता है मीन. मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें सिर्फ इवन नंबर दिया गया है 2 से लेके 10 तक. सो यहाँ पे मीन वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे 5. सो पहले तो हमें सारे वैल्यूज को ऐड करना और फिर जितने वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर देना. तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीन 6. तो इस डेटा का जो मीन वैल्यू है वो है 6. सो मीन हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए. और इसकी लिमिटेशन है, इट इज easily affected by outliers or extreme values. So outliers क्या होते हैं? अगर आपका कोई डेटा है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा है, उसमें कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई या फिर बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आ गई, ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, तो वो होते हैं आउटलायर्स. यहाँ पे मीन आपका जो आउटलायर की वजह से अफेक्ट हो जाता है, जो आपका रिजल्ट होता है वो हैवीली स्क्यू कर देता है. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8, 10 के साथ साथ, यहाँ पे सपोज ये हमारे डेटा था 2, 4, 6, 8, 10. अभी यहीं पे एक वैल्यू आ गई 100. अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसके कंपेरिजन में 100 बहुत ही बड़ी वैल्यू है. ओके, सो अगर अब हम मीन निकालेंगे इसका 21.67. अब 21.67 और 6, इन दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है. अब यहाँ पे एक आउटलायर की वजह से हमारा मीन जो 6 होना चाहिए था, एवरेज वैल्यू जो 6 होनी चाहिए थी, अब वो दिखा रहा है 21.67. तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो गलत हमें मिलता है. सो जब भी आपके ऑब्जर्वेशन में आउटलायर्स हो या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज हो, तब मीन कैलकुलेट करना आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा. सो आउटलायर्स के केस में, एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है मीडियन. सो मीडियन आप तब यूज कर सकते हो जब आपके डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर आउटलायर्स प्रेजेंट हो. सो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हेन इट इज ऑर्डर्ड. तो जब आप डेटा सेट आपके पास रहता है और उसको आप ऑर्डर कर लो, सो उसमें से जो मिडिल वैल्यू होता है वही आपका मीडियन वैल्यू होता है. सो मीडियन यू कैन कैलकुलेट फॉर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एंड दिस इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स एंड दिस इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स. लेस इन्फ्लुएंस्ड बाई आउटलायर्स क्यों? क्योंकि जब आप मीडियन वैल्यू सेलेक्ट करते हो जो कि मिडिल में है, तो आउटलायर्स आपका जो भी एक्सट्रीम वैल्यू है, या तो फिर वो लास्ट में प्रेजेंट होगा या तो फिर वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा. तो मिडिल वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं रहता है. तो यहाँ पे इसी वजह से आउटलायर्स अगर हों डेटा सेट में या ना हो, मीडियन को कोई इफेक्ट नहीं होता है.
और वही मीन के केस में हमने देखा था आउटलायर्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वैल्यू सारी ऐड होती हैं, उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमें गलत मिलता है। ओके, सो दिस इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स। तो जब भी आपके पास डेटा में आउटलायर हो तो मीडियन कैलकुलेट करना इज मच मोर इफेक्टिव देन कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास ऑड वैल्यूज हैं तो मिडिल नंबर तो आपको आराम से मिल जाएगा, बट अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो आपको मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो मिडिल की जो दो वैल्यूज होंगी उनके एवरेज को मीडियन कहा जाएगा। ओके, सो इन केस ऑफ इवन नंबर, इन केस ऑफ इवन नंबर्स मीडियन इज एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू। सो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है 3, 1, 7, 5, 9, इसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑर्डर करेंगे, सो 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें से अगर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो मिडिल में क्या आ रहा है, 5। सो दिस इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। अभी इसमें अगर हमारे पास, अभी तो इसमें ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, सो दिस इज द ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। अभी इसमें हम एक और वैल्यू अगर जोड़ दें 3, 5, 7, 9 एंड देन 11, तो ये है इवन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगर हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो दो मिडिल के वैल्यू है 5 और 7, इनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और वही एवरेज इसका मीडियन होगा। सो यहाँ पे अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो सो 5 + 7 / 2, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे इसका और यहाँ पे आ जाएगा ये 6। सो 6 इज द मीडियन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। नेक्स्ट इज मोड। सो लास्ट इन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोड। अब मोड क्या होता है, मोड वो वैल्यू है जो जैसे डेटा सेट में अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार रिपीट होती है, दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दैट विल बी द मोड ऑफ द डेटा सेट। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। सो ये ज्यादातर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज में आता है क्योंकि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है। अब कैटेगरीज का हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसमें अगर हमें कोई कैटेगरी ऐसी मिलती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, वो होती है मोड फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बट अगर न्यूमेरिकल वेरिएबल में जो काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, जो यूनिक काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, वो स्मॉल हो या फिर लेस हो, ठीक है, तब वहां पे आप मोड यूज कर सकते हो। सो इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स यूनिक काउंट शुड बी लेस। अब एक डेटा में आपके पास या तो फिर कोई भी मोड नहीं हो सकता, अगर जितने भी डेटा पॉइंट हैं वो यूनिक वैल्यूज में है, कोई रिपीट नहीं हुआ, तब आपके पास कोई मोड नहीं होगा उस डेटा सेट के लिए। अगर एक मोड भी हो सकता है, अगर एक ही वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, और या फिर मल्टीपल मोड्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वैल्यू सेम फ्रिक्वेंसी पे हाईएस्ट टाइम रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनि मॉडल भी हो सकता है, नो मोड भी हो सकते हैं, मल्टीपल मॉडल भी हो सकते हैं। सो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट ऑफ डेटा सेट है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 4 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3, 6 एंड 7 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो अगर इसका हमें मोड कैलकुलेट करना हो तो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, 2। सो 2 इज द मोड ऑफ द डेटा सेट। ओके, सो अगर हम समरी देखते हैं कि किस मेजर को कब यूज करना है, तो जो भी आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप चूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट पे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पे ये डिपेंड करता है। ओके, सेकंड, अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं, विदाउट आउटलायर्स, सो आप मीन चूज करोगे। अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं
विथ आउटलायर्स तो आप मीडियन चूज कर सकते हो, और अगर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो आप चूज करोगे मोड. ओके, सो दैट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन.